హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ లో ఇఫ్తార్ పార్టీ ఇచ్చిన వక్ఫ్ బోర్డు మాజీ చైర్మన్ సలీం, ఇఫ్తార్ పార్టీకి వైద్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు, హోంశాఖ మంత్రి మహమ్మద్ అలీ, క్రీడా శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తదితర ముఖ్యులు మరియు ముస్లిం సోదరులు హాజరయ్యి ఇఫ్తార్ విందుని స్వీకరించిన తరువాత నమాజ్ ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. अपने डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब, मैनाटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ भाई, अपने सीनियर रिटायर्ड डीजीपी साहब दोरा साहब, तमाम बुजुर्गों भाइयों आप सबको सलाम अलैकुम। पहले आप सबको रमज़ान महीने का मुबारकबाद पेश करते हुए अभी महमूद अली साहब सब कुछ बताए, आज तेलंगाना आने के बाद तेलंगाना में हर कोई का इज्जत बढ़ चुके हैं। कहीं आप मुंबई जाओ, बेंगलोर जाओ, कोई दूसरे राज्य को गए तो आप लोग भाई तेलंगाना से हूँ बोल के फख्र से बोलने के लिए बहुत इज्जत बढ़ाई सीएम केसीआर साहब ने। आज तेलंगाना आने के बाद पूरी तेलंगाना का बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हो रहा। कोई भी स्कीम लेने दीजिए, ये तेलंगाना का मॉडल बोल के पूरा देश आज अपने को देख के नकल मारना शुरू करे। अपना किसानों के लिए रईत बंधु करे तो अब दिल्ली के सरकार, बहुत सारे राज्यों का सरकार भी रईत बंधु शुरू करे। अपना शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी को भी दूसरे राज्य अपने को देख के वो लोग भी शुरू कर दिए हैं। सीएम साहब ने हमारे माइनॉरिटीज के लिए जैसा एससी एसटी लोगों के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, एससी एसटी बच्चों को जैसा स्कॉलरशिप दिए पूरे माइनॉरिटीज के लिए भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ये कोई राज्य में ऐसा स्कीम नहीं है। अपना जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है वो पूरा देश के मॉडल बन चुके हैं। आप उसका नज़रअंदाज एक 3-4 साल के बाद अच्छी तरीके से मालूम होगा। अभी अभी बच्चे इंटरमीडिएट तक आ गए, आगे 2-4 साल में बहुत सारे अपने माइनॉरिटीज के लड़कियां और लड़के डॉक्टर्स बनते, इंजीनियर बनते, दूसरे देशों में जाके पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में शरीक होता, उसका पूरा फायदा आगे 2-3 साल में अपन देखने वाला है। इतने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल पूरा देश में कितना है, सिर्फ तेलंगाना में माइनॉरिटीज के लिए उतना रेजिडेंशियल स्कूल सीएम साहब ने लेके आए। आप सब पूरे जानते हैं आज तेलंगाना इतना अमन के साथ है बोले तो सीएम केसीआर साहब का जो पॉलिसी है अच्छी तरीके से हिंदू भाई को, मुसलमान भाई को सबको लेके चल रहे। दूसरे राज्यों में क्या हो रहे आप सब सुन रहे हैं, कर्नाटक में क्या चल रहा, दूसरे राज्यों में आज बीजेपी ने कैसा कैसा काम कर रहे आप सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अपन सब